हेलो एवरीवन, आई एम अशोक। बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज क्या करेंगे, इसके पिछले वाले क्लास में हमने लिविंग वर्ड को कंप्लीट किए थे, तो आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, हम उसको करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वार वाइड। पूछ रहा है कि जो हमारा वार वाइड है, इसमें क्या करंट है। हमें ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि हमें वार वाइड के बारे में क्या करंट है। तो बच्चों, जब हमने वार वाइड पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जब वार वाइड पढ़ रहे थे, जो हमारा वार वाइड होता है उसमें प्रोटीन आरएनए होता है, लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता है। वार वाइड जो होता है उसमें जो आरएनए मॉलिक्यूलर होता है लो होता है। और हमने बताया था आरएनए को बताने अथवा वार वाइड को बताने वाले थे टी ओ डिनर। कौन बताते थे? टी ओ डिनर साहब ने बताए थे। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करा दे हैव द फ्री आर एन ए, करा दे हैव द फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोड। क्या करा विदाउट प्रोटीन कोड, जो हमारा आर एन ए होता है और जो हमारा वार वाइड होता है उसमें आर एन ए होता है लेकिन प्रोटीन कोड एबसेंट होता है। तो सही है। सेकेंड हमें कह रहा है दे हैव डी एन ए, तो हमें कह रहा है सेकेंड दे हैव डी एन ए, और उसके बाद दे हैव डी एन ए प्रोटीन कोड। तो बच्चों, हम जब वार वाइड बता रहे थे, इसमें हमने बताया थे कि जो हमारा वार वाइड होता है उसमें डी एन ए और प्रोटीन कोड दोनों ऑप्शन होता है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है एक गलत है। क्या है? जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है एक गलत है। और थर्ड हमें कह रहा है दे हैव फ्री डी एन ए विदाउट प्रोटीन कोड। तो बच्चों, हमारा जो वार वाइड होता है उसमें डी एन ए नहीं प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डी एन ए उसमें एबसेंट होता है। फिर फोर्थ आता होगा दे हैव आर एन ए प्रोटीन कोड। क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसमें बोल रहा है आर एन ए और प्रोटीन कोड दोनों होता है। तो बच्चों, गलत है। हमारा जो वार वाइड होता है उसमें ओनली क्या होता है डी एन ए आर एन ए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है और आर डी एन ए भी नहीं प्रेजेंट होता। तो ऑप्शन बच्चों, इसमें हमारा जो ऑप्शन है इसमें, तो बच्चों हमारा इसमें ऑप्शन कौन था? इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट करेक्ट है। तो बच्चों, अब सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली राइट एंड साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। क्या कह रहा है कि जो हमें इसमें सेलेक्ट करना है करेक्ट को, जो हमारा साइंटिफिक नेम मैंगो विच आर द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द क्रोलस लीनियस। तो हमारे जो क्रोलस लीनियस साइंटिस्ट थे साहब, इन्होंने जब डिस्क्राइब किए थे मैंगो को, तो उनका नाम क्या रखे थे? तो बच्चों, हमारा उनका नाम पहला ऑप्शन दे रहा मंगी पेरा इंडिका। क्या होता है? मंगी पेरा इंडिका। ये तो सही है, लेकिन जब हमने बताए थे, जब लीनियस साहब ने अपना जब बायोलॉजिकल नाम क्लासिफिकेशन किए थे, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि हमने बताया था कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो डिस्कवर करते हैं तो उसके लास्ट के तीन या फोर्थ अक्षर उनका साइंटिफिक का नाम लिखा जाता है। तो हमारा मंगी पेरा इंडिका इसमें नहीं रहे, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। फिर सेकेंड कह रहा है मंगी पेरा इंडिका, ये भी गलत है। फिर हमें थर्ड कह रहा है मंगी पेरा इंडिका कोरस लीनियस। कोरस रिलियन नहीं रहा, वनली हमें लीनियस करना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। फिर हमें फोर्थ ऑप्शन कर रहा है मंगी फेरा इंडिका लीन। तो बच्चों, हमने जब बताया था कि जब भी हम मंगी फेरा इंडिका करेंगे तो उसके लास्ट में जब भी साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में हमें जो साइंटिस्ट खोजे थे उनका डिस्कवर किए थे उनका तीन या चार अक्षर का नाम लिखते हैं। तो हमने क्या किया, लीनियस साहब खोजे थे इसलिए इसका नाम लिख दिया लीन। तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर्ड टू जीनस। हमें कह रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से बताना है कि उसका जो जनरल करेक्टर होता है वो जीनस से कम होता है। तो बच्चों, हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमने कहा किंगडम पीसीओ, क्या बताया था? किंगडम पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस।
तो बच्चों ये हमने बताया था जो पीसीओ फंगस किंगडम पीसीओ फंगस है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो कॉमन कैरेक्टर होता है, जो हमारा कॉमन कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। क्या होता है, जनरल कैरेक्टर तो कम होता जाएगा लेकिन जो उसका कॉमन कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो बच्चों हमें पूछ रहा है उसका जनरल कैरेक्टर, लेस जनरल कैरेक्टर, जो हमारा जीनस है उससे उसका जनरल कैरेक्टर लेस होगा। तो बच्चों हमारा जो हमने देखा ऑप्शन पीसीओ फंगस जीनस के बाद, हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप करें तो हमारा जनरल कॉमन कैरेक्टर तो बढ़ेगा लेकिन जनरल कैरेक्टर घटता जाएगा। तो हमारा इसमें जो स्पीसीज है, हमारा जो जीनस के बाद हमारा स्पीसीज आता है, मतलब इसका जनरल कैरेक्टर कम होगा एज कम्पेयर टू जीनस। तो बच्चों इसका ऑप्शन हमें क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। विच अपन लेस जनरल कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस, तो हमारा स्पीसीज हो जाएगा। फिर अगला हमसे क्वेश्चन कर रहा है स्पीसीज आर कंसीडर एज, हम जब स्पीसीज का बता रहे थे स्पीसीज के बारे में, तो हमने बताया था जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो हमारा स्पीसीज होता है वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, हमने जब क्लास करा रहे थे तो उस समय हमने जब स्पीसीज को डिस्कशन कर रहे तो हमने बताया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रियल बेसिक ऑफ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो सही है। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ, ये तो गलत है। क्या कहते हैं, जो हमारा सेकेंड है ये तो गलत है क्योंकि लोवेस्ट नहीं होता है, हमारा रियल बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ये तो हमारा सही है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है द आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ह्यूमन माइंड, नहीं ये गलत है, आर्टिफिशियल नहीं होगा। फिर हमें रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सही है, डिवाइड बाय द टेक्सोनॉमी नहीं ये गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन मिला, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, तो हमारा इसका ऑप्शन भी फर्स्ट होगा। तो हमें फोर्थ का ऑप्शन कौन मिल गया, फर्स्ट। तो बेसिस ऑफ द, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे स्पीसीज का, तो हम वहाँ बताए थे जो स्पीसीज है वो रियल बेसिक ऑफ है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है बायोसिस्टमेटिक एम्स। तो बच्चों जब हम बायोसिस्टमेटिक करा रहे थे तो वहाँ हम बताए थे जो हमारा बायोसिस्टमेटिक एम्स होता है उसमें होता है कि उसका जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो हमने कहा जो क्लासिफिकेशन आर्गनिक बेस ऑन द इल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या होता है इल्यूशनरी स्टोरी एंड स्टेबलाइज द प्रोजेनी इन टोटली वेरियस पैरामीटर ऑल द बिल्डिंग स्टूडाइट। तो बच्चों हमने जब पढ़ा रहे तो हमने वहाँ बताए थे जो हमारा क्लासिफाई बायोलॉजी बायो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बता रहे थे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने बताया था। तो हमारा एक पहला ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन आर्गनिक बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजिकल करेक्टर, नहीं। और दूसरा ऑप्शन हमें कह रहा है द डेलिमिटिंग द वेरियस टेक्स्ट आर्गनिक एंड द स्टेबलाइज द रियल रिलेशनशिप, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चों थर्ड ऑप्शन हो द क्लासिफिकेशन आर्गनिक बेस्ड ऑन द इल्यूशन रिलेशनशिप, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है आइडेंटिफिकेशन एंड नामन क्लेचर ऑफ द, ये होता है तो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नामन क्लेचर करते हैं एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, तीनों करते थे। लेकिन इसमें कह रहा है आइडेंटिटी अरेंजमेंट ऑफ आर्गन, नहीं, बेसिस ऑफ द साइटोलॉजिकल करेक्टर, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा था, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। तो हमारा इसमें जो फिफ्थ वाले का के असर है थर्ड होगा, बायोसिस्टमेटिक्स एम्स होता है क्लासिफिकेशन बेस ऑन द इल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टोरी एंड स्टोलाइज द फाइलोजेनी टू द टोटली वेरियस पैरामीटर ऑफ द आर्गेनिक। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल गार्डन। बच्चों जब हम बायोलॉजिकल गार्डन बता रहे थे तो हमारा जो बायोलॉजिकल गार्डन होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल गार्डन होता है एक से टू कंजर्वेशन, सबसे फेमस बायोलॉजिकल गार्डन बताए थे क्यू इग्लैंड और इंडिया में हार्वर्ड में बताए थे
और हमारा जो नेशनल गार्डन, जो हमारा गए नेशनल गार्डन रिसर्च है कहाँ है, लखनऊ। कहाँ बताए थे, लखनऊ। तो हमारा बायोलॉजिकल गार्डन रिसर्च कहाँ है, लखनऊ में, सबसे फेमस बायोलॉजिकल गार्डन किड़िकलैंड में। और हमारा जब इंडिया में बताए थे तो हम कहाँ बताए थे, हवार्ड। तो बच्चों इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है दे प्रोवाइड द ब्यूटीफुल एरिया एंड रिएक्शन, नहीं ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वन कैन ऑब्जर्व द ट्रॉपिकल प्लांट, नहीं यहाँ पर सभी यहाँ। और इसके बाद दे अलाउ द इंस्टीट्यू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लांट। तो बच्चों हमारा ऑप्शन तो थर्ड सही है, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल गार्डन होता है वो क्या होता है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन। देर प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट एंड द वाइल्ड लाइफ, नहीं ये भी नहीं सही है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन हो गया, थर्ड, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा जो बायोलॉजिकल गार्डन होता है वो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन होता है। तो हमारा है, तो हम जो हमारे क्या कहते हैं इसमें एनसीईआरटी में, फर्स्ट एनसीईआरटी में इसमें हमें तो ये नहीं दिया है, लेकिन जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें देगा जो हमारा बायोलॉजिकल गार्डन है वो क्या होता है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन होता है आईसीबीएन। हमारा आईसीबीएन स्टैंड फॉर है, तो हम जब बच्चों आईसीबीएन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था जो हमारा जब नामक लेखा पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था जो आईसीबीएन होता है इसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल गार्डन। फिर हम बताया था आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामक लेचर। फिर हम एक बताया था आईसीबीएन बैक्टीरियल नामक लेचर, वारवाइड नामक लेचर का वायरस नामक लेचर। तो हमने बताया था हमारा ये आईसीबीएन होता है इंटरनेशनल कोर्सेस ऑफ बायोलॉजिकल नामक लेचर, ये तो गलत है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोटेक्निकल नामक लेचर ये सही है, इंडियन कोड बायोटेक्निकल नामक लेचर गलत है। फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंडियन कोर्स था कांग्रेस बायोटेक्निकल नामक लेचर, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अन अनएक्सपेशनली डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिक ऑफ एबिलिटी। बच्चों हमें कहा जो लिविंग ऑर्गेनिज होता है और नॉन लिविंग के बारे में, हमें नॉन लिविंग तीन बेसिस किसके कारण हम नॉन लिविंग और लिविंग बता सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये तो 100% बच्चों गलत है। फिर दूसरा कह रहा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हमारा, बल्कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है लिविंग करता है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे हम बताए थे हनी भी, जो हमारा हमने बताया था एक होते हैं वर्कर हनी भी बताए थे, और उसके बाद वुमेन कपल बताए थे, एक क्या होते हैं लिविंग हुई और एक म्यूल बताए थे, जो लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करते थे, इसलिए लिविंग का करेक्टर नहीं होगा। फिर दूसरा थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है, थर्ड ऑप्शन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, क्या होगा जो हमारा ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट होगा। ग्रोथ हमारा नॉन लिविंग भी होता है, और मोमेंट ग्रोथ है मोमेंट, जो हमारा ग्रोथ होता है नॉन लिविंग में, जैसे हमारा माउंटेन हम बताए थे, इसलिए हमारा जो ग्रोथ होता है लिविंग नहीं होगा, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। रिप्रोग्रेसिव इन टच कॉन्सिनेंस जब हम पढ़े थे वहाँ बताए थे जहाँ भी जो हमारा मेन करेक्टर ऑफ लिविंग का होता है वो कॉन्सिनेंस होता है, अगर कॉन्सिनेंस है तो लिविंग होगा, अगर कॉन्सिनेंस नहीं है तो लिविंग नहीं होगा। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, मतलब रिस्पॉन्सिनेंस मतलब कॉन्सिनेंस जो हम बताए थे वही, अगर हम अगर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो लिविंग होगा, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो लिविंग नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा फोर्थ होगा। फिर बच्चों हमारा अगला आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एक्सेप्ट इन ए स्क्वेंशियल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग। हमें फिर इसमें पूछ रहा है लिविंग का मेन करेक्टर बताइए, क्या उसका मेन करेक्टर लिविंग का। तो बच्चों हमने जब बताए थे, जब लिविंग जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहले हम ग्रोथ किए थे, फिर रिप्रोडक्शन किए थे, फिर मेटाबॉलिज्म किए थे, फिर कॉन्सिनेंस किए थे।
तो बच्चों हम सबसे पहला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। तो सच बच्चों ये तो सही है, जो हमारा लिविंग का करेक्टर होता, लेकिन इन विट्रो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अकर इन विट्रो, ये तो सही हो सकता है। इंक्रीज इन मास एंड इन साइड द ओनली, तो बच्चों अल्टे पर गलत होता है। तो ग्रोथ जो होता हमारा लिविंग करेक्टर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी होता। परसेप्शन का होता है परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड मेमोरी, ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड हमें कह रहा है इंक्रीज इन मास एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल बोथ सरफेस सेल्स इंटरनली, मतलब आउट एंड इंटरनल, ये तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन होगा, मेटाबोलिक, जो आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन होता है वो इन विट्रो के अंदर। हम बताए थे बच्चों जब इन विट्रो के अंदर, जब हमने बताया था मेटाबोलिक डिस्कशन कर रहे थे, हमने बताया था जो हमारा मेटाबोलिक होता है वो लिविंग का करेक्टर होता है। जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं सब मेटाबोलिक के कारण होता है। लेकिन जब इन विट्रो जो होता है, जब इन विट्रो के अंदर, तो बच्चे जब हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं इन विट्रो में आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन होता है, तो बच्चों उसमें जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन उसमें जो रिएक्शन होता था वो मेटाबोलिक और लिविंग होता है। जो हमारा रिएक्शन होता है वो मेटाबोलिक होता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है वो नॉन लिविंग है। इसमें कह रहा है आइसोलेटेड मतलब इन विट्रो, जो इन विट्रो के अंदर मेटाबोलिक रिएक्शन होता है वो लिविंग का कैरेक्टर है। हाँ 100% हमने भी डिस्कशन किया था बच्चों। अगर हमारा जो वीडियो है एक बार उसे वीडियो को देखिएगा, तो वहाँ से अगर एक बार आप पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बजने बजेगा नहीं, सब क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच इन द पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हमें पूछ रहा है कि हमें ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से कौन करेक्ट मैच कर रहा है। तो बच्चों हमारा जो टाइगर होता है टाइग्रिस स्पीसीज, तो बच्चों हमारा जो टाइगर होता है इसे हम बोलते थे, तो हमारा जो टाइग्रिस है ये स्पीसीज है, ये तो बच्चों सही है, क्योंकि हमारा जो टाइग्रिस होता है वो हमारा स्पीसीज है। तो हमने जब टाइगर को इस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने इसका बताया थे टाइगर, जो हमारा टाइगर का स्पीसीज है स्मॉल लेटर लिखते हैं, तो हमारा जो टाइगर का स्पीसीज टाइग्रिस होता है, हमने वहाँ डिस्कशन। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कटल फिश मोलस्का इस क्लास नहीं, ये जो हमारा कटल कटल फिश होता है ये मोलस्का क्लास नहीं है, ये तो गलत है। फिर हमारा कटल फिश हमारा, और उसके बाद फिर ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, नहीं बच्चों जो हमारा प्राय होता है ह्यूमन का जो प्राइमेटा है ये फैमिली नहीं होता है, ह्यूमन का फैमिली होता है कौन सा, ह्यूमन आईडी। तो हमारा फैमिली होता है, हमने बताया थे जब फैमिली बताए थे हमारे, जब फैमिली बताए थे जैसे मुँह एना कार्ड एसी, लास्ट में ईसी होता है तो फैमिली होता है, अगर ईसी नहीं है तो फैमिली नहीं है। तो हमारा जो ह्यूमन है प्राइमेटा, प्राइमेटा जो होता है ये हमारा फैमिली, ह्यूमन का फैमिली नहीं है, इसलिए गलत है। जो हमारा प्राइमेटा है ये क्या है, ये है ऑर्डर, क्या होता है प्राइमेटा हमारा ऑर्डर होता है, क्या होता है बच्चों जो प्राइमेटा होता है ये ऑर्डर होता है। फिर अगला हमारा कहता है हाउस फ्लाई मस्का ऑर्डर, नहीं जो मस्का होता है इसका जो हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, तो इसका जो ऑर्डर रहता है ये डिप्थेरा होता है, जो हमारा मस्का का ऑर्डर डिप्थेरा होता है, तो इसलिए ऑप्शन भी नहीं सही होगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन था, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज विद द साइंटिफिकली करेक्टली नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नामोंग्लेचर करेक्टली डिस्क्राइब। तो बच्चों जब हमने नामोंग्लेचर पढ़ा रहे थे, हमने बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नामोंग्लेचर जब पढ़ा रहे थे, तो इसमें सबसे पहला आता है मस्का डोमेस्टिका, जो हमारा मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लीजर्ड एंड रेप्टाइल, नहीं बच्चों ये कॉमन लीजर्ड नहीं होता है, मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस, तो कॉमन हाउस होता है लेकिन हाउस फ्लाई होता है, लीजर्ड रेप्टाइल नहीं होता है।
फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा दूसरा ऑप्शन करा है प्लाज्मोडियम फाइसिपेरम प्रोटोजोवन पैथोजन कसिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ये तो बच्चों 100% हमारा सही है, जो हमारा मलेरिया का काज होता है वो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फाइसिपेरम। फिर तीसरा का होता है फेलिस टाइगरी इन इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। नहीं बच्चों गिर फॉरेस्ट नहीं होगा, वो टाइगर के लिए होता है। तो फेलिस टाइगरी ना, फेलिस जो होता है ये क्या होता है कैट का होता है, क्या होता है कैट। अब इसके बाद इकोलाई फोन लेमा एंटेमीबा। नहीं बच्चों जो हमारा इकोलाई होता है इचिया कोलाई से बोलते हैं, ना कि एंटेमीबा कोलाई। तो बच्चों हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन था, आप बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन सही है सेकेंड, जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है वो हमारा होता है। और किससे होता था जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम हमारा हमारा हो रहा था पाइसिपेरम से। फिर अगला ऑप्शन होता है विच ऑफ फॉलोइंग द नॉट करेक्ट द स्टेटमेंट, कौन स्टेटमेंट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोला द म्यूजियम हैज द कलेक्ट फोटोग्राफ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो बच्चों प्लांट एनिमल डेड को, डेड जो होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, ना कि फोटोग्राफ। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है कि टेक्जानोमी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज। ये तो सही है हर्बेरियम हाउ ड्राई प्रिजर्व एंड प्रिजर्व द प्लांट स्पीसीज। सही, हर्बेरियम के प्लांट को प्रिजर्व करते हैं। फॉर आर बॉटनिकल गार्डन इज कलेक्ट इन लिविंग प्लांट इज रिफ्लेक्ट। ये भी सही है बच्चों। तो हमारा जो बॉटनिकल गार्डन, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन तो हमारा कौन सा सही है फर्स्ट, क्योंकि यही हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा नॉट करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है द कॉमन करेस्टेटिव बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी द मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो बच्चों हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पोटैटो और जो टोमेटो होता है इसका कॉमन क्या है। जैसे हमें ऑप्शन दिया, फैमिली दिया, ऑर्डर दिया, डिवीजन दिया, जीन है। तो बच्चों हम जो हमारा पोटैटो टोमेटो होता है इसका फैमिली सेम होता है, कॉमन होता है। कौन सा फैमिली होता है, सोलनेसी फैमिली। तो बच्चों इसका हमारा ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट। तो बच्चों ये हो गया हमारा 2000 से लेकर 2020 तक हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था, हम इसको सॉल्व किए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसी तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन करते चलेंगे। और उसके बाद इसी प्रकार हम केमिस्ट्री भी कराएंगे